है हाँ भैया बेटा, ये देख, क्वेश्चन था, हम ये प्रूफ कर रहा है। तो बेटा हम साइड कौन सी लेते हैं? सबसे पहले साइड कौन सी लेते हैं? कभी भी हम कॉम्प्लिकेटेड साइड लेते हैं जिसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश हो, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, तो मैं ये पूरा का पूरा उतार लूंगा, है ना, ये पूरा का पूरा मैं एज इट इज उतार दूंगा। ठीक है, ओके, ये वाला। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें ध्यान से देखिए, ये आएंगे, ये भी ए ही होगा, और ये ऑब्वियसली बात, इसका नाम ए नहीं रख सकता बिकॉज इट इज डिफरेंट विथ ए, तो इसका नाम मैंने बी रखा, ये भी बी ही होगा। तो इट इज जस्ट लाइक कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ जी, क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी नहीं, ए प्लस बी। तो बेटा यहाँ पे ए आएगा प्लस, और यहाँ पे बी आएगा। ए की वैल्यू क्या है? पाई बाय फोर माइनस एक्स, पाई बाय फोर माइनस वाई। ध्यान देना गाइस, अगला स्टेप, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर माइनस एक्स माइनस वाई, ओपन द ब्रैकेट, और मैंने ये वाले घटे ले लिए, फिर माइनस एक्स माइनस वाई। अब बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेने बैठ जाते हैं, जरूरत नहीं है। 45 प्लस 45 सिंपल 90, 90 को कैसे लिखते हो आप? पाई बाय टू माइनस, बेटा इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो। ठीक है, नाउ दिस इज जस्ट लाइक कॉस 90 माइनस थीटा, दिख रहा है भाई? दिस इज 90 एंड दिस इज थीटा, सो कॉस 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया बेटा, और कहां पहुंच गए? राइट हैंड साइड पे, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हेंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। ठीक है, ओके बेटा, आज मैं असाइनमेंट भी दूंगा, असाइनमेंट लेके आऊं प्रिंट करके, सच्ची। ठीक है, प्रिंट करके, क्या लास्ट ईयर के प्रिंटेड पड़े हुए थे बहुत सारे, निकाले हैं, और कल से प्रिंट करके भी मिलेगा आपको। हाँ जी, आज भी मिलेगा, आज भी मिलेगा, बट वो पुराना प्रिंटेड पड़ा था, वो वही ढाला हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन, किसी ने 11th तक ट्राई कर लिया है? ये ले बेटा, नोट कर ले बेटा, जिसने नहीं किया 8th 9th 10th 11th क्वेश्चन देखिए, और जो क्वेश्चन बोलोगे वो करा दूंगा मैं। वैसे आपको ट्राई करना था 8 9 10th 11th, लास्ट टाइम मैं बोलना भूल गया बेटा, 8 9 10th 11th नहीं, मैंने 7th तक बोला था, लेकिन मुझे वो भी बोलना था अगली क्लास में, मैंने मैंने बोला नहीं 8 9 10th 11th। अभी देख लो, आप ट्राई कर सकते हो तो कर लो, और अगर इसे ट्राई किया डाउट है, या किसी ने ट्राई किया और क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था, तो भी बोल सकते हैं, ये मैं करा दूं वन बाय वन, घर पे दोबारा कर लेना, बोलो। अगर किया नहीं है तो मैं करा देता हूँ, वैसे तो रूल पहले ट्राई करना था, लेकिन शायद मैंने गलती करी, बोला नहीं मैंने। यस निखिल, तुम लोगों ने ट्राई किया 8वां 9वां 10वां 11वां? एक मिनट, नहीं भैया मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं, तो मैं 8 9 10 11, बस मैं जो पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। ठीक है बेटा, आपको मैं राठौड़ साहब बोलूंगा, निखिल नहीं बोलूंगा। ठीक है, ओके, तो बेटा मैं 8 क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन आपसे ही हेल्प लूंगा मैं पूरा पूरा। ठीक है, तो बेटा 8 क्वेश्चन देखना, 8 क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, अपना अपना भी ट्राई करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इसलिए मैं इसका एक एक क्वेश्चन अच्छे से, मतलब चाहता हूँ कि आपको आने चाहिए बेटा। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड, आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ गाइस। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स ओवर साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स। ठीक है भाई, चेंज करूं या नहीं करूं? शुड आई चेंज कॉस का? कॉस एंगल विल बी कॉपीड, क्वाड्रेंट कौन सा है? उस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस, तो माइनस लिख दूं। ठीक है भाई, क्लियर है? विवेक बताएगा मुझे बेटा, विवेक बेटा। अगला जो है ये वाला, क्या लिखा हुआ है? कॉस ऑफ माइनस सीटा, कॉस ऑफ माइनस सीटा क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस सीटा क्या होता है? कॉस सीटा है ना, तो यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, यस बताएगा बेटा, यस साइन 180 माइनस सीटा क्या हुआ? यस भी बता। हाँ बेटा, कभी भी ऑनलाइन क्लास में तो बस पार्टिसिपेट जरूर करा करो, अपने आप अच्छा लगेगा तुम्हें कि हाँ भाई ऑनलाइन में अच्छा लग रहा है। आगे
बेटा ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, ठीक है, सिर्फ प्लस किस में, कॉस में और सेक में, ठीक है। साइन थीटा ये होगा, बहुत, हाँ जी बेटा साइन, साइन थीटा प्लस का ना, बहुत बढ़िया, हाँ भैया प्लस का, बहुत बढ़िया। अमलदीप ये कॉस 90 तो सीटा क्या लिखूं, हाँ चेंज करूं या नहीं करूं, क्या लिखूं, हाँ आगे एक्स लिख दिया, क्वाड्रेंट कौन सा है, तो पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं, माइनस, ये मत बोलना कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछोगे, कॉस से पूछोगे कि कॉस क्या होता है, क्या होता है माइनस, ठीक है गाइस। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था बच्चों वाला, ऊपर आ गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट गया, क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या किसी को भी, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड है वो भी, अभी मैंने सेवेंथ क्वेश्चन होल्ड पे रखा हुआ बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, ठीक है, ओके छोड़ेंगे कुछ नहीं, चिंता ना करो, अभी जानबूझ के मैं आगे के फॉर्मूले नहीं करा रहा, क्योंकि जितने मैंने फॉर्मूले आपको करा दिए पहले उसमें परफेक्शन आ जानी चाहिए, ठीक है बेटा। नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ बेटा, हमें ये प्रूफ करना है कि इट इज इक्वल्स टू वन, हाँ जी कौन सा साइड लेना चाहिए, विच साइड, ऑब्वियसली वन, ऑब्वियसली बात है वन थोड़ी ना लूंगा, कॉम्प्लिकेटेड साइड लेते हैं, ठीक है, तो भैया कॉम्प्लिकेटेड साइड में उठा रहा हूँ यहाँ से, कौन सी साइड है कॉम्प्लिकेटेड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मैं ये पूरा का पूरा लिखूंगा दोबारा से, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, अब आगे बढ़ेंगे गाइस, कुछ नहीं करना, एक एक करके फॉर्मूले लगाने हैं, हाँ जी सबसे पहले इसमें कौन बताएगा, राठौर साहब बताएंगे, हाँ जी बेटा क्या करूं उसका, चेंज करूं या नहीं करूं, ये बताएगा मुझे लव, बताएगा लव, प्लीज पार्टिसिपेट, थ्री टाइम्स 90 है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, चेंज करेंगे नहीं करेंगे, लव बताएगा सर, करेंगे करेंगे, तो क्या लिखूं, कॉस की जगह क्या लिखूं, साइन, साइन और एंगल एक्स, अब लव ही बताएगा मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट है सर, प्लस होगा, प्लस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है भाई, देखो तीन 90, एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, प्लस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए हमने प्लस का लिखा बेटा, ठीक है क्लियर है, आगे आ जाओ, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कौन बताएगा फटाफट से, कॉस एक्स भाई, क्यों, जो भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दो गुना है पाई का, तो 90 का चार गुना हो जाएगा, तो चेंज तो हुआ नहीं, एंगल कॉपी कर दिया, 2 पाई होता है बेटा, दिस इज 1 पाई एंड दिस इज 2 पाई प्लस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सो दिस इज कॉस एक्स, कोई डाउट है क्या, हाँ नहीं सर, नहीं ना, ओके बेटा साहिल अगर बोलना चाहता है तो बात कर बेटा, साहिल इसका आंसर बताएगा बेटा, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, साहिल हाँ सर बता बेटा, चेंज करूं या नहीं करूं, सर होगा चेंज, किस में चेंज करें, कॉट को किस में कन्वर्ट करें, टेन, टेन बहुत बढ़िया, टेन, आगे बोलो, आगे बोलो, एक्स, एक्स बहुत बढ़िया, प्लस का होगा माइनस का होगा, सर माइनस का नहीं, प्लस का होगा, माइनस का, अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा बेटा, क्वाड्रेंट कौन सा है साहिल, प्लस का होगा, प्लस का होगा, अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा साहिल, थर्ड है, थर्ड बहुत बढ़िया, मैं वही बोल रहा हूं, तू तो चैंपियन था इसमें, तू कैसे गलती कर सकता है, कितने दिन से देख रहा था, तू परफेक्टली सही आंसर दे रहा था, ठीक है बेटा, तो बहुत बढ़िया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है आगे निखिल बताइए बेटा क्या करेंगे इसमें, निखिल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, बोलो भाई चेंज करेंगे नहीं करेंगे, है ना, एंगल कॉपी, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, अब क्या करें बेटा, बच्चा सोचता है अब क्या करें, या देखो कभी भी इसमें ना साइन कॉस में क्वेश्चन इजीली हो जाता है, तो मैं इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये क्या होगा, कॉस पाई, नाउ टेक एलसीएम, नाउ टेक
एलसीएम वन आ जाएगा, ये कट जाएगा, कट गया, जो भी बचा क्या बचा बेटा, इस नथिंग बट वन आ गया वन। किसी को कोई डाउट है बोलो, डाउट है सर? कौन सा वाला, 2 पाई प्लस एक्स, देख भाई 1 पाई बोले तो आधा चांद यहाँ पहुंच गया, हाँ देख तो ले, 2 पाई बोले तो यहाँ पहुंच गया, हाँ अब प्लस समथिंग है तो आगे बढ़ेगा पीछे बढ़ेगा, आगे कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। और कोई डाउट बेटा, पूछा करो ऐसे ही जैसे बच्चे ये पूछ रहा है, हर कोई पूछा करो, आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना भाई सब लोग, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है ये चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, आप देखना आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे सारे, अभी तो सिखा रहा हूं बेटा। दसवां ग्यारहवां करेंगे बेटा, क्लियर है ये? देखो ये क्वेश्चन घर पे खुद से कर रहे हैं, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, घर पे खुद से देखिए बेटा, प्लीज और नहीं करो, 10 क्वेश्चन देखो जरा, 10 क्वेश्चन देखो जरा जल्दी से, कैसे ट्राई करेंगे, कुछ नजर आ रहा है इसमें बेटा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कौन सी साइड लेनी थी राठौर साहब, कौन सी लेनी चाहिए? एलएचएस, बहुत बढ़िया, एलएचएस लेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला लगता है वो दिख रहा है क्या? हाँ आरएचएस लेगी बेटा, देख आरएचएस क्या है, सिंपली कॉस थीटा, उसको और क्या सिंपलीफाई करेगी, बचपन से सीख रहे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा इसका, देख रहा भाई सब लोग, लेफ्ट हैंड साइड है ये, है ना? अच्छा अगर ये लिखा है ए प्लस बी और मैं ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ऐसा, ताकि आपको नजर आए कि एक्चुअली मैं क्या चाहता हूं। आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे मैंने लिख दिया कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स, कॉस एन प्लस टू इंटू एक्स प्लस साइन एन प्लस वन इंटू एक्स साइन एन प्लस टू इंटू एक्स। बेटा ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा, दिस इज जस्ट लाइक कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, देखो ना, अगर इसका नाम ए रखा तो ये भी ए हो गया, क्या इसका नाम ए रखूं, ए रखूंगा इसका नाम नहीं, बी, सेम घर में दो बच्चों का नाम सेम नहीं रखते, ये बी हो जाएगा और ये सेम है बी हो जाएगा, दिस इज जस्ट लाइक कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विच इज नथिंग बट कॉस, हाँ जी क्या लिखूं, ए प्लस बी लिखूं क्या, पूछ रहा हूं मैं, हाँ हाँ बड़ा अच्छे से मामला याद है, a माइनस बी कोसाइन में a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी, क्या कर दिया, क्या नहीं होने चाहिए, जस्ट बी केयरफुल, ध्यान देना भाई क्या करेंगे यहाँ पे, a क्या है n प्लस वन इंटू एक्स माइनस b क्या है यहाँ पे n प्लस टू इंटू एक्स, ठीक है भाई, आगे ध्यान देना जरा, कॉस मल्टीप्लाई करो n इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस n इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स, nx nx कट गया, क्या बचा cos of minus x, कैसे 1x minus 2x, क्या होता बेटा 1x minus 2x क्या होगा minus 1x, cos minus theta क्या होता है cos theta, cos minus, ठीक है भाई सर, सर फर्स्ट स्टेप बाहर हो गया था क्या, नो नो ठीक है सर, फर्स्ट स्टेप में क्या भाई, किया है? तो इट्स वेरी सिंपल, कोई मुझे बताएगा 11th वाला कैसे करना चाहिए? हां जी 11th वाला, हेलो, हां जी बेटा बोलना सर, फर्स्ट स्टेप में क्या किया है भाई? फर्स्ट स्टेप में मैंने कुछ किया ही नहीं है, इट वाज लुकिंग लाइक ए प्लस बी, ये ऐसा लग रहा था ए और ये बी, तो ए प्लस बी को मैं ये वाला पहले लिख दूं इधर और ये वाला इधर लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या भाई? 2 प्लस 3 लिख जा, 3 प्लस 2 लिख, कोई दिक्कत है क्या? बोल नहीं सर, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? बोलो, है तो है भाई, किसी को डाउट? 11वां अभी करो जल्दी सब लोग, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यू टेक लेफ्ट हैंड साइड,
मैं बस लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड करोगे आप ही माइनस कॉस पी पाई बाय फोर माइनस एक्स कोई बताइए कैसा फॉर्मूला लग रहा है अगर ये ए है तो ये क्या हो गया ए ये बी हो जाएगा बढ़िया बहुत बढ़िया फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाए तुरंत बेटा क्या होता है फॉर्मूला याद है किसी को माइनस बोले तो कौन सा टर्म पहला या दूसरा सेकंड टर्म क्या होता है हाँ जी अंशु बताएगी पूरा बता माइनस साइन ए साइन बी बहुत बढ़िया और टू लगा दू और ए कितना है यहाँ पे थ्री पाई बाय फोर और बी कितना है एक्स किसी को कोई डाउट है अच्छा ये जो थ्री पाई बाय फोर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मैंने जुगाड़ बताया था आपको बताया था क्या करेंगे ऊपर थ्री पाई है नीचे से बनाएंगे फोर पाई माइनस वन पाई रफ में फोर पाई माइनस वन पाई हाँ जी बेटा तो कैसे कर रहे थे हम यहाँ पे ध्यान दे रहे ना ये तो थ्री पाई बाय फोर है सबको पता है थ्री की जगह हम क्या लिखेंगे फोर लिखेंगे क्योंकि नीचे फोर है फोर का नियरेस्ट मल्टीपल होना चाहिए तो ये लिख दिया फिर डिवाइड इन सेपरेट फोर पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर लास्ट क्लास में समझाया था ना क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय फोर जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो समझ ले एक्चुअली दिस इज नथिंग बट साइन पाई माइनस पाई बाय फोर ठीक है मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं साइन पाई माइनस पाई बाय फोर साइन एक्स यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे दिस इज जस्ट लाइक साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है और ये क्या है साइन एक्स माइनस टू बेटा ये कितना हो जाएगा 1 बाय रूट टू ये क्या हो गया साइन एक्स यहाँ आपने काट देना है क्या आया रूट टू क्या आ गया माइनस रूट टू साइन एक्स ठीक है भाई कोई डाउट है क्या पक्का इजी था बेटा जो मैंने सी एन डी फॉर्मूले आपको कराए थे 12 फॉर्मूले उनको रिवाइज करना और एक मैं असाइनमेंट दूंगा उसको कर लेना बेटा वो उस बच्चे का नाम क्या था जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ता कहीं और मैथ्स पढ़ता है क्योंकि मैंने उसको एक असाइनमेंट सेंड किया था व्हाट्सएप से निकालता हूँ मैं तो तुम्हें भी सेंड कर दूंगा ना जो लोग नहीं आए बाकी को तो दे ही रहा हूँ मैं प्रिंट आउट नाम नहीं याद आ रहा यार अरे एक लड़का नहीं था यार एक ही बच्चा है जो हमारे यहाँ नहीं आता अमन के अलावा फिजिक्स पढ़ता है वो अरे नहीं अमन नहीं 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 क्या नाम है यार सुमित नाम है सुमित होगा हाँ हाँ सुमित ही है अरे नहीं याद आता भाई मुझे ये तो दिक्कत है याद आ गया वही बहुत बड़ी बात है कोई बात नहीं मैं आपको तुम्हें बेटा बाद में दे दूंगा ठीक है अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है लाइक अगर क्वेश्चन ऐसा है साइन साइन 105 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री हाँ जी तो कैसे करेंगे सी एन डी फॉर्मूला ला देना साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा टू साइन कॉस यहाँ पे सी प्लस डी बाई टू यहाँ पे सी माइनस डी बाई टू 105 प्लस 75 बाय टू यहाँ पे 105 माइनस 75 बाय टू एक नमूना दिखाया बस मैंने आपको ठीक है टू साइन बेटा 180 बाय टू कितना हो गया 90 हो गया ये कॉस 30 बाय टू कितना हो गया 15 हो गया टू तो 2 है साइन 91 होता है cos 15 को cos 15 छोड़ देंगे क्या आंसर आ गया cos twice of cos 15 डिग्री ठीक है हालांकि cos 15 डिग्री भी आपको निकालना आता है ठीक है क्लियर ओके बेटा आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा सॉरी आज मैं काफी लेट हो गया बेटा सर ये cos 15 की वैल्यू निकालनी है या फिर नहीं निकालनी ठीक है बट जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं बहुत हां जी बेटा क्या बेटा सर ये cos 15 की वैल्यू निकालनी है या नहीं निकालनी डिपेंड करता है अगर ये प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है कि ये इसके बराबर देंगे ठीक है अगर इवैल्यूएट करने के लिए आता है तो निकालेंगे समझ गए आप कई बार ये भी आ सकता है कि प्रूफ करो ये इसके बराबर है ठीक है तो कई बार क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें कहां तक जाना है ठीक है